जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहे। दोस्तों, सबसे पहले सभी देशवासियों को आज रक्षाबंधन है, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी को लेकर आज त्यौहार का दिन है, बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ आज सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर न्यू एक्सप्रेसवे है, गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे, हाँ दोस्तों, बहुत समय से लोगों की कमेंट आ रही है और बहुत समय से किसान भाइयों के फोन भी आ रहे हैं। कुछ समय पहले, अब से अगर हम बात करते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, इससे पहले महीने में इस एक्सप्रेसवे का सर्वे फाइनल कर इसकी डीपीआर बनने के लिए एनएचआई को दे दी गई थी। उसके बाद खबर सामने आई कि एनएचआई के अधिकारियों ने इस एक्सप्रेसवे को नवेड़े से कानपुर बनाने का निर्णय लिया है, मतलब अपना प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। उसके बाद काफ़ी न्यूज आई, हमने भी न्यूज इस पर बनाई, अपडेट आई। उसके बाद जो पहले इसका सर्वे हुआ हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग, और क्योंकि जो किसान भाइयों के यहाँ सर्वे हुआ हुआ था, बड़े विचलित हुए, बड़े परेशान हुए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद पहले भी गंगा एक्सप्रेसवे वंचित रह चुका है, और इस बार फिर एक मौका मिला था फरुखाबाद जिले को कि गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे वहां से निकाला जाए। लेकिन अधिकारियों ने अपना प्रशासन को प्रस्ताव रखा कि हम इसको नवेड़े से हम इस एक्सप्रेसवे को निकाल सकते हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट इसके निकट है। ये बात रही। उसके बाद में अभी तक कोई जो अपडेट थी, किसान परेशान हुए, कंटिन्यू हमसे बोल रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए। और हमने इस एक्सप्रेसवे को लेकर अधिकारियों से और इस पर हमने पड़ताल शुरू कर दी। तो सबसे पहले खुशखबरी की बात यह है कि अभी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का कोई भी अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले अलाइनमेंट था गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे, इसका अलाइनमेंट ऐसा का ऐसा ही है। और अगर इसका अलाइनमेंट चेंज होता है तो इसको नवेड़े से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो रूट है गाजियाबाद वाला, इसको गाजियाबाद से नवेड़े के लिए एक न्यू रूट बनाया जा सकता है। फिलहाल इसका जो प्रस्ताव है प्रशासन ने दिया है, फिलहाल अभी इस पर कोई भी तब्दील नहीं हुई है। उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं, और फरुखाबाद जो वासी हैं, उनके जो पूर्व सांसद है, जो पूर्व सांसद है संतोष भारतीय जी, उन्होंने कल एनएचआई के जो नितिन गडकरी है उनसे मुलाकात की है, और इसको फरुखाबाद की विशेषता के बारे में उन्होंने बताया है। और नितिन गडकरी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे है वो फरुखाबाद से होकर ही गुजरेगा। तो ये जो फरुखाबाद के पूर्व सांसद है, उन्होंने बहुत बड़ी पहल की है, क्योंकि पहले भी गंगा एक्सप्रेसवे से वंचित रह चुका है, और इस बार भी फरुखाबाद से अगर ये नहीं जाता है तो फरुखाबाद जिला बहुत पीछे हट जाएगा। फिलहाल अभी कोई इसमें तब्दील नहीं हुई है, और डीपीआर बनने के लिए गई भी है, और बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे की डीपीआर आप लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे के साथ साथ उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा, इसी के साथ साथ गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ भी उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा, जिसकी लंबाई 380 किलोमीटर रखी गई है और इसकी डीपीआर बनने गई हुई है। अगर हम बात करते हैं, अगर न्यू अलाइनमेंट, अब जो न्यू अलाइनमेंट इसका बनाया जा रहा है,
और जिस अलाइनमेंट पर ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो नवेड़े को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, ये एक्सप्रेस वे इन जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि पहला सर्वे हुआ है। और इस एक्सप्रेस वे को 4 लेन में फिलहाल बनाया जाएगा और उसके बाद 6 लेन में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद में हमें कुछ जानकारी जुटा पाए हैं और आगे भी हम आप लोगों को ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेस फिलहाल जैसा है ऐसी का ऐसी है, क्योंकि अभी अभी कोई अपडेट आ नहीं है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।